मैं जितेंद्र सिंह चौहान आप सभी लोगों का गुरु चौहान जी के चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपसे जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं वह टॉपिक राजस्थान के किले हैं। राजस्थान के किलों का नाम सुनते ही हमें इतिहास के वो पन्ने दिखाई देते हैं जो इतिहास में दफन हो चुके हैं। अतः मैं उन पन्नों को वापस पलटने जा रहा हूं और हम राजस्थान के किलों को आज अध्ययन करने जा रहे हैं। राजस्थान के किलों का एक समराइज रूप में आपके समक्ष रखना चाहता हूं, उसके पश्चात हम एक एक किले पर विस्तृत चर्चा भी बाद के टॉपिक्स में करने वाले हैं। आज राजस्थान के किलों पर जो हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान के किले, राजस्थान में कुल कितने किले हैं, ये प्रश्न अगर आपके जहन में आए तो एक विचार आपको करना पड़ेगा कि यार कितने किले। मैं जब भी क्लासेस में पढ़ाता हूं तो मैंने विद्यार्थियों से पूछा यार राजस्थान में कुल किलों की संख्या कितनी है, तो हर विद्यार्थी ने 90% विद्यार्थी ने मुझे इस प्रश्न का जो उत्तर दिया तो मुझे काफी सोचना पड़ा कि विद्यार्थी इसकी जानकारी कम रखते हैं। मैंने जब विद्यार्थियों से पूछा कुल कितने किले हैं तो विद्यार्थियों ने अधिकतर ने उत्तर दिया सर राजस्थान में 84 किले हैं। तब मैंने उन्हें एक सेंटेंस बताया, एक लाइन बताई और इस लाइन को सुनने के पश्चात उनके मन मस्तिष्क में ये बात सामने आई कि यार राजस्थान में 84 किले तो नहीं है, 84 से ज्यादा किले हैं, क्योंकि मैंने उनको एक लाइन बताई मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। अतः राजस्थान में मेवाड़ मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं जिसमें से 32 दुर्ग तो महाराणा कुंभा ने बनवाई थी। तो राजस्थान में कुल कितने किले हैं, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो इस प्रकार है कि राजस्थान में 250 से अधिक किले हैं। राजस्थान में किलों की संख्या 250 प्लस है तो 84 नहीं है। हमारे राजस्थान में किलों का शहर किसे कहते हैं, किलों का शहर हमारे राजस्थान में कहते हैं जोधपुर को। जोधपुर को राजस्थान में किलों का शहर कहते हैं, किलों का शहर चित्तौड़गढ़ को नहीं कहते हैं। हमारे एक बहुत ही फेमस किताब लिखी गई जिस किताब को लिखा कौटिल्य ने, कौटिल्य की एक प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दुर्गों का उल्लेख कौटिल्य ने किया है। अर्थशास्त्र में चार प्रकार के दुर्गों का उल्लेख मिलता है, एक दुर्ग जिसे जल दुर्ग कहते हैं, एक जल दुर्ग का उल्लेख मिलता है, एक वन दुर्ग का उल्लेख मिलता है, एक गिरी दुर्ग का उल्लेख मिलता है और एक धनवन दुर्ग का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में चार प्रकार के दुर्गों का, जल दुर्ग, वन दुर्ग, गिरी दुर्ग और धनवन दुर्ग का उल्लेख किया है। तो हमारे राजस्थान में एक शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान में कितने प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया गया है, हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुक्र नीति के अनुसार हमारे राजस्थान में 9 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया गया है। शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं, उन दुर्गों के क्या क्या प्रकार हैं, अतः उन प्रकारों पर प्रश्न कई बार राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हमारे शुक्र नीति के अनुसार जो 9 प्रकार के दुर्ग हैं, राजस्थान में एक दुर्ग है जिस दुर्ग का नाम सैन्य दुर्ग है। सैन्य दुर्ग कौन सा दुर्ग कहलाता है, ऐसा दुर्ग जिसमें चतुरंगिनी सेना से चारों तरफ से वो सुरक्षित हो, जो चतुरंगिनी सेना होती है वो चारों तरफ से उस दुर्ग को घेरे हुए हो, ऐसे दुर्ग को सैन्य दुर्ग कहते हैं। और राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग इसी दुर्ग को कहते हैं। राजस्थान के जो 9 प्रकार के दुर्ग हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ दुर्ग सैन्य दुर्ग को कहा गया है, क्योंकि यह चारों तरफ से चतुरंगिनी सेना से सुरक्षित रहता है। हमारे राजस्थान में गिरी दुर्ग भी हैं और गिरी दुर्ग पर एक प्रश्न पूछा जा चुका है, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग कौन से हैं। हमारे राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग गिरी हैं। एक बार राजस्थान की एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आया कि राजस्थान में दुर्गों का सर्वाधिक निर्माण पहाड़ियों पर ही क्यों किया गया, क्योंकि पहाड़ी पर चढ़ने में टाइम लगता अतः उन्हें अपनी सुरक्षा करने का मौका मिलता। तो सबसे पहला कि राजस्थान में दुर्ग ज्यादातर पहाड़ियों पर क्यों बने, राजस्थान में दुर्ग ज्यादातर पहाड़ियों पर इसलिए बने सुरक्षा की दृष्टि से, और राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग गिरी दुर्ग है, ऐसा दुर्ग जो पहाड़ी पर हो उसे गिरी दुर्ग कहते हैं। हमारे राजस्थान में
एक और दुर्ग का प्रकार है जिसे दानवन दुर्ग कहते हैं, इस पर भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। दानवन दुर्ग किसे कहते हैं? ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल हो, अर्थात जो मरुस्थल में बना हो, जिसके चारों ओर रेत के ऊंचे ऊंचे टीले हो, ऐसे दुर्ग को दानवन दुर्ग कहा जाता है। हमारे राजस्थान में एक दुर्ग और है जिसे जल या ओदक दुर्ग कहते हैं, और जल या ओदक दुर्ग किसे कहते हैं? ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, जिसके चारों ओर पानी हो या जल हो, ऐसे दुर्ग को जल या ओदक दुर्ग कहते हैं। हमारे राजस्थान में एक प्रकार का और दुर्ग है और उस दुर्ग का नाम है, हमारे राजस्थान में एक दुर्ग का प्रकार है जिसे पारिख दुर्ग कहते हैं। पारिख दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ गहरी गहरी खाइयां हो, ऐसे दुर्ग को पारिख दुर्ग कहते हैं। इसको आसानी से याद कर सकते हैं, कैसे खाई, जिसके चारों तरफ गहरी गहरी खाइयां हो, ऐसे दुर्ग को पारिख दुर्ग कहते हैं। तो पारिद दुर्ग किसे कहते हैं? एक पारिख होता है, एक पारिद होता है, जरा से ही अंतर है, देखो खै और ध का ही अंतर है। पारिद दुर्ग उस दुर्ग को कहते हैं जिस दुर्ग के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारों का परकोटा हो, ऐसे दुर्ग को पारिद दुर्ग कहते हैं। हमारे राजस्थान में एक दुर्ग का प्रकार और है जिसका नाम है वन दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ गहरे वन हो, चारों तरफ जो वनों से घिरा हुआ हो, ऐसे दुर्ग को वन दुर्ग कहते हैं। तो हमारे राजस्थान में एक दुर्ग और होता है जिसे एरन दुर्ग कहते हैं। अतः एरन दुर्ग क्या होता है? ऐसा दुर्ग जिसके जो पहाड़ी पर बना हो तथा जिसके चारों तरफ गहरे वन हो, अतः गिरी दुर्ग और वन दुर्ग के मिश्रण को एरन दुर्ग कहते हैं। तो ऐसा दुर्ग जो पहाड़ी पर भी बना हो, जिसके चारों तरफ गहरे गहरे वन हो, उसे एरन दुर्ग कहा जाता है। हमारे राजस्थान में दुर्ग का एक प्रकार और है जिसका नाम है स्थल दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो समतल भूमि पर बना हो, ऐसे दुर्ग को स्थल दुर्ग कहते हैं। तो राजस्थान में शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया गया है। सैन्य दुर्ग जय राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है जिसमें की चतुरंगनी सेना चारों तरफ से घिरे रहती हो, और गिरी दुर्ग राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग गिरी श्रेणी के हैं जो पहाड़ी पर बने हो, और इस राजस्थान में दुर्गों का निर्माण पहाड़ी पर सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है। दानवन दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल हो, जल दुर्ग या ओदक दुर्ग ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, पारिक दुर्ग जिसके चारों तरफ गहरी गहरी खाइयां हो, तो पारिद दुर्ग जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारों का परकोटा हो, वन दुर्ग जिसके चारों तरफ गहरे वन हो, एरन दुर्ग जो गिरी भी हो और वन भी हो अर्थात पहाड़ी पर हो तथा जिसके चारों ओर गहरे गहरे वन हो, स्थल दुर्ग जो समतल भूमि पर बना हो, उसे स्थल दुर्ग कहते हैं। आइए अब किलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ रुख करते हैं। हमारे राजस्थान में ऐसे प्रश्न राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम किला कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीनतम किला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम किला बाड़मेर का किला है, और बाड़मेर का किला तो हनुमानगढ़ में है। अतः राजस्थान का सबसे प्राचीनतम किला हनुमानगढ़ का बाड़मेर का किला है। राजस्थान का दूसरा, एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीनतम किला कौन सा है, तो राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीनतम किला है वह चित्तौड़गढ़ का किला है। चित्तौड़गढ़ का किला दूसरा प्राचीनतम किला है। एक बार एक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान का सबसे नवीनतम किला कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे नवीनतम किला वह मोहनगढ़ का किला है, और मोहनगढ़ का किला कहां पर है? मोहनगढ़ का किला जैसलमेर में है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम किला बाड़मेर हनुमानगढ़, राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीनतम किला चित्तौड़गढ़, राजस्थान का सबसे नवीनतम किला मोहनगढ़ जैसलमेर है। आगे चर्चा करते हैं कि हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट,
और यहां पर लिविंग फोर्ट से तात्पर्य क्या है, ऐसा किला जो सबसे बड़ा रिहायशी, लिविंग का मतलब रिहायशी से है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है या रिहायशी किला है, वह किला भी चित्तौड़गढ़ का किला है। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट माना जाता है। तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वह सोनारगढ़ का किला है, और सोनारगढ़ का किला तो जैसलमेर के किले को कहते हैं, जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट माना जाता है। हमारे राजस्थान पर बात करें किलों पर, तो राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जिस पर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं, राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं, तो राजस्थान का वह किला जिस पर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं वह बाड़मेर का किला है। राजस्थान में किस किले पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं, अतः सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला किला भी वह बाड़मेर का किला है। राजस्थान का ऐसा किला कौन सा है जिसमें सर्वाधिक देशी आक्रमण हुए हैं, अतः सर्वाधिक देशी आक्रमण वाला किला वह तारागढ़ का किला है, और तारागढ़ का किला तो अजमेर में है, अर्थात सर्वाधिक विदेशी सर्वाधिक आक्रमण वाला किला भी बाड़मेर का किला, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला किला भी बाड़मेर का किला, तो सर्वाधिक देशी आक्रमण वाला किला हमारा तारागढ़ किला अजमेर है। हमारे राजस्थान में सब किलों का, सब दुर्गों का सिरमौर, सब दुर्गों का सिरमौर किसे कहते हैं, हमारे राजस्थान में सब दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ के किले को कहते हैं, सब दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ के किले को कहते हैं, तो किस दुर्ग को दुर्गाधिराज कहा जाता है, हमारे राजस्थान में दुर्गाधिराज रणथंबोर के किले को कहते हैं, और रणथंबोर का किला तो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, रणथंबोर के किले को दुर्गाधिराज कहते हैं, तो दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ के किले को कहते हैं। अब अगर हम राजस्थान के किलों पर आगे चर्चा करें तो हमारे सामने कई महत्वपूर्ण प्रश्न सामने निकल कर आते हैं, और वो प्रश्न क्या हो सकते हैं जो राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले भी पूछे जा चुके हैं। अगर हम राजस्थान के, अगर राजस्थान को दिशा की दृष्टि से देखें, तो ये दिशा है वो उत्तरी दिशा है, और ये दिशा है वो दक्षिणी दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है, और यह पश्चिम दिशा है। और किलों पर इस तरीके से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी किस किले को कहती है, तो राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी बाड़मेर के किले को कहते हैं, जो हनुमानगढ़ में है। राजस्थान की दक्षिणी सीमा का प्रहरी किस किले को कहते हैं, तो राजस्थान की दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़ के किले को कहते हैं। राजस्थान की पश्चिमी सीमा का प्रहरी किस किले को कहते हैं, तो पश्चिमी सीमा का प्रहरी सोनारगढ़ के किले को कहते हैं, जो जैसलमेर में है। ये राजस्थान की पश्चिमी सीमा का प्रहरी है। अगर हम बात करें कि राजस्थान की पूर्वी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं, तो पूर्वी सीमा का प्रहरी शेरगढ़ के किले धौलपुर को कहते हैं, शेरगढ़ का किला धौलपुर को कहते हैं। लेकिन हमारे राजस्थान में जब भी कोई आक्रमणकारी पूर्व से एंट्री करता है, क्योंकि राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को माना जाता है, तो हमारे राजस्थान में जो भरतपुर का लोहागढ़ का किला है, लोहागढ़ का किले का बहुत बड़ा महत्व रहा है, अतः लोहागढ़ का किला भरतपुर में है। अगर एग्जाम में धौलपुर ऑप्शन में ना हो, तो उस कंडीशन पे राजस्थान की पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ उत्तर होना चाहिए। तो लोहागढ़ का भी एक बहुत बड़ा, हमारे राजस्थान के इतिहास में एक बहुत बड़ा महत्व रहा है। तो राजस्थान की पश्चिमी सीमा का प्रहरी सोनारगढ़ को कहते हैं, उत्तरी सीमा का प्रहरी बाड़मेर को कहते हैं, दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़ के किले को कहते हैं, तो पूर्वी सीमा का प्रहरी पहला उत्तर शेरगढ़ है, तो दूसरा उत्तर लोहागढ़ भरतपुर है। आगे कुछ कोटेशंस हैं, और वो कोटेशंस अलग अलग लोगों ने कही हैं, अलग अलग दुर्गों के बारे में कही हैं। जैसे एक कोटेशन है, एक कोटेशन जलालुद्दीन खिलजी ने कही है, जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन का चाचा,
जलालुद्दीन खिलजी हमारे रणथंबोर के दुर्ग के बारे में क्या कहता है? जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग के बारे में क्या कहा है कि मैं ऐसे दुर्ग को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं, ऐसा कहने वाले जलालुद्दीन खिलजी थे जिन्होंने ये लाइन रणथंबोर दुर्ग के बारे में कही थी। हमारे रणथंबोर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा है? अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है, ऐसा रणथंबोर किले के बारे में अबुल फजल ने कहा है। हमारे राजस्थान का एक किला है जिस किले का नाम मेहरानगढ़ का किला है, मेहरानगढ़ किले के बारे में दो स्टेटमेंट, दो कोटेशन फेमस है। मेहरानगढ़ किला जोधपुर में है और इसके बारे में क्या कोटेशन कही गई है? एक बहुत ही फेमस लेखक हुए जिनका नाम था रुडियार्ड किपलिंग, रुडियार्ड किपलिंग ने इस किले के बारे में क्या कहा? जब उन्होंने इस किले को देखा तो वो कह बैठे कि इस किले का निर्माण तो देवताओं या परियों ने करवाया होगा, इस किले को तो देवताओं या परियों की करामात कहा गया है, ऐसा रुडियार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ किले के बारे में कहा है। तो हमारे राजस्थान के मेहरानगढ़ किले के बारे में एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने क्या कहा है? जैकलिन कैनेडी, जैकलिन कैनेडी नाम के व्यक्ति ने क्या कहा है? जैकलिन कैनेडी जब इस किले को देखे तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने क्या कहा कि मैंने दुनिया के साथ आश्चर्य देखे हैं, मैंने दुनिया के साथ आश्चर्य देखे हैं, लेकिन ये दुनिया का आठवां आश्चर्य है, ऐसा जैकलिन कैनेडी ने मेहरानगढ़ किले के बारे में कहा है। हमारे राजस्थान में एक किला है कुंभलगढ़ का किला, और कुंभलगढ़ किला हमारे राजस्थान में राजसमंद जिले में स्थित है, और कुंभलगढ़ किले का जो सबसे ऊपरी भाग है वह कटारगढ़ कहलाता है, उसे कटारगढ़ कहा जाता है। जब अबुल फजल ने इसके को देखा तो इसके बारे में एक लाइन कह बैठा कि जब मैं इसे नीचे से ऊपर की ओर देखता हूं तो मेरे सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, ऐसा कटारगढ़ कुंभलगढ़ के बारे में अबुल फजल ने कहा कि जब मैं इसे नीचे से ऊपर की ओर देखता हूं तो मेरी सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। हमारे राजस्थान का एक किला जो कि मरुस्थल में बना है वह सोनारगढ़ का किला है। सोनारगढ़ किले के बारे में कहा जाता है, सोनारगढ़ किले के बारे में क्या कहा जाता है? सोनारगढ़ किले के बारे में कहा जाता है यह दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो रेत के विशाल समुद्र में कोई जहाज लंगर डाले हुए खड़ा हो, अतः इस किले के बारे में सोनारगढ़ के बारे में यह कहा जाता है। राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न भी देखने को मिले हैं कि राजस्थान के किस दुर्ग को कमरकोट दुर्ग कहते हैं, अतः कमरकोट दुर्ग उस दुर्ग को कहते हैं जिसके दोहरा परकोटा हो, ऐसा दुर्ग, हर किले के चारों तरफ एक परकोटा होता है लेकिन ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ दोहरा परकोटा हो उस दुर्ग को कमरकोट दुर्ग कहते हैं। और एक प्रश्न और पूछा गया है कि कुमट दुर्ग किसे कहते हैं, ऐसा दुर्ग जिसमें कुमट नाम की वनस्पति पाई जाए उसे कुमट दुर्ग कहते हैं। विद्यार्थियों, मित्रों, मेरा आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी किलों की और आगे प्रत्येक किले पर एक क्लास में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और वो बहुत डिटेल्स में होंगी। ये एक शुरुआत है किलों की और धीरे 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 इसके पार्ट्स आपके सामने आते जाएंगे और आप बहुत ही अच्छी तरीके से इनको अध्ययन कर पाएंगे, क्योंकि हमारे राजस्थान के किलों पर बहुत डिटेल्स पे प्रश्न पूछे जाते हैं और निश्चित ही इनका फायदा आपको आगे मिलने वाला है। आप मुझे लगातार कमेंट्स देते रहें और अवगत कराते रहें, धीरे धीरे मैं आपके सभी टॉपिक्स आप तक पहुंचाता रहूंगा। मुझे बड़ा अपार खुशी है कि आप लोग बहुत ही सहयोग प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद मित्रों, मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं।